लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, पर पोटेंशियल नहीं पढ़ा क्या होता है, हम देखेंगे पोटेंशियल क्या होता है ना। तो देखो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन स्पेस कैन बी डिफाइंड बाई कीपिंग ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट एंड देन फाइंडिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस then electric potential at that point is given by V electric potential at a point in space can be defined by keeping a test charge at that point then finding potential energy of the test charge due to all other charges then potential at that point is given by V which is equal to potential energy of test charge per unit test charge तो potential को हमने कैसे define करा है simply potential energy per unit charge को हम क्या बोलते हैं potential electric potential है ना electrostatic potential energy per unit charge is इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना बिल्कुल सेम होता है यहाँ पे तो हम भाई चार्जेस के कारण पढ़ रहे हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं समझ में आया क्या जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता था इलेक्ट्रिक फील्ड है ना फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है पोटेंशियल बताओ इसके यूनिट्स क्या होंगे यूनिट्स बोलो जूल पर कूलम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला अरे तुम दिमागी दिमाग में कर रहे हो बताओ इस बार गलत नहीं होना चाहिए नहीं है चलो ठीक है एम वन एल टू T माइनस वन क्या बोला T माइनस थ्री ठीक है और T माइनस वन चलो ये चेक करते हैं सिमरन ने सही बोला या नहीं बोला जूल का जूल क्या होता है न्यूटन मीटर मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और कूलम इज एम्पियर सेकंड चलो सही है इस बार भाई दिमागी दिमाग में करती है सिमरन कोई कैलकुलेशन बोलो तो ऐसे ही चलो कितना आ रहा है भाई किलोग्राम मास का एक है ना लेंथ के दो अरे अच्छा सेकंड हाँ माइनस थ्री और एम्पियर माइनस वन चलो है ना पोटेंशियल अच्छा ये बताओ ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा या टेंसर होगा कुछ और होगा क्या ये स्केलर है ना अपना क्यों स्केलर क्यों है क्योंकि हमारी एनर्जी भी क्या होती है स्केलर होती है तो पोटेंशियल भी क्या होगा स्केलर तो लिख लो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी एडेड एलजेब्रिकली पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी एडेड एलजेब्रिकली लिखो
electric potential due to a point charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण तुम्हें पोटेंशियल निकालना है. स्पेस में किसी पॉइंट पी पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है. तो अपने पास क्या होता है, एक चार्ज होता है, उससे अपन हर एक पॉइंट पे पहले से ही पोटेंशियल निकाल के रख लेते हैं. तो मुझे किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे. तो कैसे पता करूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्यू नोट करके एक चार्ज रख दिया, ठीक है. तो अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी मतलब इन दोनों की, के क्यू क्यू नोट बाय आर. अब पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन करा है, टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई उसका चार्ज. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई उसका चार्ज, तो कितना आया, के क्यू बाय आर. आ गया ना सिंबल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी तुम्हारी, के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिपेंड करते हैं जिस चार्ज को तुम निकाल रहे हो ना. वहां पर जो चार्ज रखा है उससे कोई मतलब नहीं है दोनों को. क्यू नोट आ रहा है क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में आया था क्या, नहीं. तुम जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या फिर जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हो वो आता है, बस बिल्कुल सिमिलर है फॉर्मेट. वहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे के क्यू बाई आर हो गया. तो अब यहाँ पे चार तरह की चीज़ें हो गई, कन्फ्यूज मत होना. अगर ऐसे लिखना है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये फोर्स है तुम्हारा. ऐसे लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल एनर्जी है ना. फिर क्या कर सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और के क्यू बाई आर कर दिया तो पोटेंशियल. तो देखो इन चारों को ध्यान से देख लो, पता होने चाहिए. इसमें अगर एक चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स. देखो एक क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स बन जाएगा ना, इसमें एक चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का पर्पस एक तरह से ही है. स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर वहां पे कोई चार्ज रख दिया तो क्या करते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे क्या मिल जाएगा, फोर्स. तुमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, आ रहा है. तो सिमिलरली अब हमने क्या करा, हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, अब हमने कहा कि भाई बार बार इतने सारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ रही है, क्या करो पहले स्पेस में हर जगह हमने पोटेंशियल निकाल के रख लेते हैं. अब स्पेस में पोटेंशियल निकाल के रख लिया, अब वहां पे चार्ज रखा तो एनर्जी कैसे आएगी उसकी, चार्ज इनटू पोटेंशियल. अरे भाई जैसे फोर्स क्या होता था, क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था क्या, वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल. लिखो ये इक्वेशन. चलो ग्राफ तो होना, तो पोटेंशियल वर्सेस का डिस्टेंस का, पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है उसका ग्राफ क्या होगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऐसा ये नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, इधर इसमें बस इसमें ही होगा और कहीं नहीं होगा. वैसे आर हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो डिस्टेंस तो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, समझ में आ रहा है. तो ये से ऐसा आ जाएगा तुम्हारा, इस बार ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था याद रखना, ये है. अगर यहाँ पे आर की जगह एक्स दे देते, मान लो एक्स एक्सिस दे देते, तो वहां पर तो फिर कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, तो फिर कैसा आ जाता, नीचे आता, ऊपर ही आता. पोटेंशियल तो पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल आएगा. मैंने कहा ना भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान रखो चार्जेस हमेशा साइन के साथ रखने हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अलग अलग होता है. जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, जब पोटेंशियल निकालोगे चार्जेस को साइन के साथ रखेंगे. व्हाइल फाइंडिंग नोट लिखो,
while finding potential energy and potential, always substitute charges with their sign. While finding potential energy and potential, always substitute charges with their sign. चलो एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं. ये तुम्हारा स्क्वायर है ना, स्क्वायर शेप, एज लेंथ क्यू क्यू क्यू. फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ. फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ. तो ये डिस्टेंस पहले बताओ कितना हो जाएगा. ये ए, ये पूरा रूट टू है, उसका आधा कितना होता है. तो पहले एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना. तो बोल देते वन टू थ्री फोर, ठीक है. पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू वन कितना आएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस विच इज ए बाई रूट टू. और एक एक चीज क्लियर है, ओ पे वन के कारण जितना पोटेंशियल आएगा उतना ही टू के कारण आएगा, उतना ही थ्री के कारण आएगा, उतना ही फोर के कारण आएगा. क्योंकि यहाँ पे कोई बताए वेक्टर तो है नहीं जो डायरेक्शन से फर्क पड़े, स्केलर क्वांटिटी है सीधे, और चारों के चारों बराबर डिस्टेंस पे हैं. तो नेट पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं, ओ पे फोर टाइम्स दिस, तो कितना आ जाएगा, फोर के क्यू बाई ए वाई रूट टू. आ गया तुम्हारा, है कोई दिक्कत इसमें, नहीं है. चलो बताओ इसका बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी है पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ जीरो है ना. जितना इसके कारण आएगा उतना इसके कारण माइनस में आ जाएगा, ठीक है. जीरो है ना, इसकी कितनी है, जीरो. और ऐसा कर देगा तो जीरो माइनस जीरो. तुम लोग बोलते रहे तो पता नहीं क्या क्या होगा, पॉजिटिव होगी, यही है प्लस जीरो माइनस जीरो. तो जीरो ही होगी ना, फर्क नहीं पड़ता कहां पे रखा है तुमने ना, सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है. ये इसमें भी जीरो होगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें कराने का मतलब नहीं है. चलो देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चलो क्वेश्चन लिखो. रिंग है भाई, रिंग मतलब ये पॉइंट वो है. तो यहाँ पे चार्ज भाई, तुमने रिंग पे बताया प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और प्लस क्यू चार्ज तुम्हारा कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा ओ पॉइंट पे, पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, जीरो. जीरो होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक है हर डायरेक्शन से, जीरो नहीं होगा. तो फिर क्या होगा, देखो भाई ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता. तो देखो पूरे जो भी चार्ज है सारा का सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे, मतलब पूरा का पूरा क्यू चार्ज है तो ए डिस्टेंस पे ना. तो पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय. अगर इस चार्ज को मैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मान लो इधर पे बहुत सारा दे दिया, फिर यहाँ पे कम दे दिया, यहाँ पे ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे ऐसे, अब क्या होगा बताओ. तो फर्क नहीं पड़ेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन यूनिफॉर्मली, नहीं पड़ेगा ना. क्योंकि भाई कुछ भी चार्ज है तो पूरा का पूरा चार्ज कैसा भी हो इस पॉइंट से तो ए डिस्टेंस पे है ना. पोटेंशियल के लिए फर्क नहीं पड़ता चार्ज है किस डायरेक्शन में, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कितने डिस्टेंस पे. तो अगर इसको मैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब भी पोटेंशियल इतना ही आएगा सेंटर पे. क्लियर है क्या, देखो